खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज। क्या अब्बास मस्तान की है हॉलीवुड में सेटिंग? कौन सी मूवी के साथ होगा सोल्जर 2 का बड़ा क्लैश? दोस्तों साल 1998 में रिलीज हुई एक्टर बॉबी देओल की मूवी सोल्जर की धमाकेदार स्टोरी लाइन से तो हम सभी वाकिफ हैं। मूवी की कहानी इतनी धमाल थी कि ऑलमोस्ट सभी कास्टिंग एक्टर्स को इस मूवी के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के लिए डायरेक्टर अब्बास और मस्तान को छुपे रुस्तम का टैग क्यों मिला? वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग मूवी सोल्जर 2 के बारे में। दरअसल जब अब्बास मस्तान की मूवी सोल्जर रिलीज हुई तो ठीक उसके दो हफ्ते बाद ही हॉलीवुड में भी सेम टाइटल के साथ ही मूवी सोल्जर रिलीज की गई। लेकिन ऑडियंस ने इस केस को कभी भी कोइंसिडेंस नहीं माना। सबका कहना था कि ये अब्बास मस्तान की कोई सेटिंग है और दोनों मेकर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि यहाँ और वहाँ की फिल्मों को सेम महीने में रिलीज किया जाए। वैसे तो दोनों मूवीज की कहानी में कोई ज्यादा नोटिसेबल सिमिलैरिटीज नहीं थी, लेकिन जब फिल्म का टाइटल ही हूबहू सेम हो तो ऑडियंस को शक तो होगा ही जनाब। और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि अब जब इतने सालों बाद सोल्जर मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है तब भी ऐसा ही कोई केस दोबारा रिपीट होने वाला है। दरअसल जो अब बॉलीवुड में सोल्जर 2 पर काम चल रहा है वहीं हॉलीवुड में मिशन इम्पॉसिबल 7 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और दोनों ही मूवीज इस साल के एंड में रिलीज होने वाली हैं। सोल्जर 2 और मिशन इम्पॉसिबल 7 दोनों ही मिलिट्री मूवीज हैं और साथ ही दोनों फिल्में ओरिजिनल मूवी का भी सीक्वल है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी अब्बास मस्तान ने हॉलीवुड के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन की है और इस बार भी दोनों मूवीज को ऑलमोस्ट सेम डेट पर ही रिलीज किया जाएगा। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दोनों मिलिट्री मूवीज का एक साथ रिलीज होना है कोई कोइंसिडेंस या फिर आपका भी मानना यही है कि अब्बास मस्तान हॉलीवुड मेकर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करके फिल्मों को एक साथ रिलीज करने के बारे में डिसीजन लेते हैं? आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड